गनी, दिस इज मी वैदी भार्गव और मैं आपका स्वागत करती हूँ EBNW स्टोरीज के इस खास ब्लॉग में जिसमें हम आपको करवा चौथ के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। आंटी, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। अच्छा, और कैसे मनाते हैं आंटी से? उसको है ना, करवा को ऊपर करके चीनी से भर दो, उसके ऊपर ब्लाउज का पीस रख दो और फिर उसकी कथा सुनते हैं, फिर चांद सूरज जी को रख देते हैं और फिर चाय पानी पीते हैं और जब शाम हो जाती है ना रात, तब सूरज जी उगते हैं, तब निकलेंगे, तब अपन है ना उसको अर्घ देंगे, फिर उसका खाना खाएंगे, सास के इनके पैर दबेंगे, लड़के के उनको दक्षिणा देंगे। थैंक यू आंटी। तो आपको पता है करवा चौथ की बैक स्टोरी के बारे में? हाँ, जो आमतौर पे राजस्थान पे जो सुनी जाती है कहानी वो ये होती है कि सात भाई थे और उनकी एक बहन थी, तो वो जब बहन तिहर आती है तो करवा चौथ आती है, तो वो जो सातों भाइयों की भाभियाँ होती है वो व्रत करती है, तो बहन बोलती है कि मैं भी व्रत करूँगी। वो बहन छोटी होती है, इतना बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, शादी उसकी हुई भी होती है, लेकिन फिर जब वो लोग व्रत करते हैं तो उन्होंने सबने व्रत रखा होता है, लेकिन बहन का क्या है ना, मतलब फ्रूट्स देख के वगैरह मन चलता है, तो वो ये बोलती है कि व्रत खुलेगा तो ये भी खाऊंगी, व्रत खुलेगा तो वो भी खाऊंगी, तो ऐसे करके उन भाइयों से देखा नहीं जाता कि बहन बेचारी भूखी है, तो वो क्या करते हैं, एक धोरे पे चढ़ के और आग जलाकर छल्ली से वो चांद बनाकर दिखा देते हैं। तो भाभी आती है और वो देखती है चांद बहन, तो वो बोलती है कि भाभी आप भी देख लो ये चांद, तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, ये चांद तो सिर्फ आपका है, आप देखो भाभियों के लिए अलग उगेगा। तो वो वाला चांद देखकर वो खाना खा लेती है। खाना खाते ही उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि मतलब उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके बाद में वो जाती है तभी मतलब माँ साड़ियाँ निकालती है, जैसे अपन बेटी को विदा करते हैं तो उस टाइम साड़ियाँ निकालने के लिए खोलती है संदूक, तो पहली साड़ी नीली निकलती है, फिर दूसरी साड़ी काली निकलती है, तो मतलब समझ में आ जाता है कि शगुन का तो अब शगुन हो रहा है। तो फिर माँ समझ जाती है, तो माँ उसको बोलती है, एक सोने का सिक्का देती है और बोलती है कि तू रस्ते में जितने भी जाए ना, जहाँ तक मतलब तुम्हारा ससुराल है, सबके पैर छूते हुए जाना, और जो भी तुम्हें सदा सौभाग्यवती रहो ये आशीर्वाद दे, तो उसको ये सोने का सिक्का दे देना। तो वो जाती है, कोई भी आशीर्वाद देता ही नहीं है पूरे रस्ते तक। तो ससुराल पहुंचती है तो आंगन में जेठूती पालने में सो रही होती है, उसके भी पैर छूती है, तो वो पैर छूते ही बोलती है कि सदा सौभाग्यवती रहो, वो सोने का सिक्का उसको दे देती है। आगे आंगन में जाके देखती है तो उसका पति मरा हुआ मिलता है, तो वो समझ जाती है। उसके बाद में वो उसको जलाने नहीं देती है और उसको बोलती है कि मुझे बाहर झोपड़ा बांध दो और मैं उसी में रहूंगी इसके साथ में। तो फिर 12 महीने की 12 चौथें आती है अगला साल जैसे जैसे जाता है, तो जो भी माता चौथ माता आती है, जो भी व्रत आते हैं, उनका हाथ पकड़ती है, तो वो बोलती है कि हमारा हाथ क्यों पकड़ रही है, जिसका अपमान किया, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है, उन्हीं का हाथ पकड़ना। तो वापस करवा चौथ आती है, करवा चौथ आती है तो फिर से वो चौथ माता को बोलती है, वो चौथ माता बोलती है कि बहनारी भाई करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। तो उसको तो ये चीज़ पता नहीं थी, तो वो पूछती है कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो वो बताती है कि ये हुआ था, भाई ने ये चीज़ें की थी। तब वो पैर पकड़ के माफ़ी मांगती है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा पता नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि चौथ माता फिर अपनी उंगली कट करके और उस खून के जो है वो छांटे देती है उसके पति को, तो उसका पति जिंदा हो जाता है, फिर दोनों काफ़ी खुशी से रहते हैं। तो ये बेसिकली कहानी है। Please do like, share, subscribe and comment our channel.